हेलो मैम, कैसे हो आप? थोड़ा पीछे तो राइट टू लेफ्ट, यहाँ पे देख लें। मैम यहाँ सेंटर में, यहाँ पे, यहाँ पे हेलो, क्या जिस कैमरा, क्या मैम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ यार, नर्वस। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन मैम। किस चीज, आप बताओ किस चीज पे नर्वस होना चाहिए मुझे? तो पता है आपकी मुझे सुनने का। अभी 4 दिन बचे हैं मेरी शादी को, और शादी की तैयारी कैसी चल रही है? क्या मुझे हर रोज लगता है कि बहुत काम पड़ा है। अरे भाई चलो बाइक कर लेते हैं ना। थैंकफुली मेरे सारे फ्रेंड्स और फैमिली आने लगे हैं, तो मुझे लगता है अब एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। लेकिन मुझे आखिरी मोमेंट तक मैं श्योर मुझे लगेगा कुछ ना कुछ बचा है, क्योंकि जाना है, पैकअप करना है, तो बहुत काम है। आसान नहीं है शादी का, पहले आसान थी, अभी आसान नहीं है। अभी मुझे ऐसा लगता है जेडन का स्कूल देखूँ कि उसका रैपअप करूँ कि अपना रैपअप करूँ, तो मुझे लग रहा है सबके साथ जाएगा, थोड़ा सिंपल है मुझे पता है, बट ठीक है, अच्छा है ना, मेरी पर्सनालिटी को सूट होता है। बाकी भाई चलो तो दलजीत चेहरे से तो बहुत खुश नजर आ रहे हो, लग रहा है कि हाँ बस 4 ही दिन बाकी है। सो कितने एक्साइटेड हो या नर्वसनेस हो रही है, क्या कुछ चल रहा है? सच्ची बताऊँ अब नर्वसनेस ज़्यादा है, एक्साइटमेंट है ऑब्वियसली, एक अनसेड एक्साइटमेंट है, लेकिन नर्वस थोड़ी ज़्यादा हूँ क्योंकि बहुत जल्दी टाइम बीत रहा है। मैं हर रोज़ उठते हुए लगता है अरे बापरे, अभी तक मुझे लग रहा था 10 दिन है, 5 दिन, सिर्फ 4 दिन बचे और 4 दिन जैसे लग रहा है बहुत जल्दी टाइम बीत रहा है, बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है सब। तो अभी जैसे कि रिचुअल स्टार्ट होने वाले होंगे, तो आज आप यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब हम पकड़ को लिया है हमने आपको, क्या करने आए हो आप? मैं नेल आर्ट कराने आई हूँ, और जैसा आप देख सकते हैं मेरी ही पर्सनालिटी को सूट करता हुआ मैंने ये ब्राइडल नेल आर्ट किया है, जो बहुत ही सिंपल है। मुझे हाँ मतलब मुझे एक चीज़ मैंने अगर कुछ सीखा है ना, वो ये सीखा है कि अपने लाइफ में ना वो करना चाहिए जो अपने को पसंद आए। मुझे पता है मुझे आज बहुत डांट पड़ने वाली है, मेरी जितनी फ्रेंड्स हैं मुझे बहुत डांटेंगी कि ये क्या करा है इतना सिंपल, लेकिन आई वॉन्ट टू रिलेट, आई वॉन्ट टू एंजॉय माई वेडिंग द वे आई एम, एंड दिस इज मी। सो कितने फ्रेंड्स अभी तक आ चुके हैं और कितने आने वाले हैं? मेरे फ्रेंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड से आ रहे हैं, मेरे कुछ 25 साल पुराने दोस्त, कुछ स्कूल के दोस्त, यू नो, और शादियों पे रियलाइज़ होता है कि कितने लोग आपको प्यार करते हैं, बिकॉज आई मेरा घर इस वक्त फुल मतलब कियोस है। मैं जिस भी रूम में कल घुस रही थी वहाँ पे 7-8 लोग थे, तो आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग होम, और अब लग रहा है शादी वाला माहौल घर में है, अब रौनक भी है, किसी की आवाज़ किसी को नहीं सुनती, कोई कुछ कह रहा होता है जवाब कुछ और मिल रहा होता है, तो जो शादी का कियोस होता है वो है अभी। तो दलजीत शादी के पहले जनरली लड़कियां डाइट पर चली जाती है, तो आप कितना डाइट कर रहे हो या फिर आप चालू हो? मुझे देख के कोई बोल सकता है डाइट कर रही हो? बिल्कुल नहीं करी, मैंने शुरू किया था, आई स्वेयर, मैं जिम मैंने जिम में इंस्ट्रक्टर को भी पैसे दिए, और वो बेचारा मुझे फोन करके कहता है मैम आपने पैसे डोनेट क्यों किए, क्योंकि शादी के घर में बिल्कुल टाइम नहीं, मेरी आवाज़ जा चुकी है, जिम का टाइम नहीं है, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि थोड़ी फिट तो मैं हूँ, देखो हॉट तो मैं लगूंगी अपनी शादी में, ये तो मैं बहुत श्योर हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा कॉन्शियस हूँ कि ऐसी ऊट पटांग ना खाऊं, तो प्रिटी तो लगना है ना ब्राइड को, थोड़ा मतलब हॉट एंड हैपनिंग। दूल्हे राजा के लिए क्या कहना चाहोगे, कितने एक्साइटेड है वो? दूल्हे राजा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वो, मतलब हर उनको अब क्या हो रहा है ना, उनको फोमो हो रहा है क्योंकि शादी यहाँ पर हो रही है और वो अपने काम से कहीं कहीं घूम रहे हैं, तो क्या हो रहा है क्या हो रहा है पूरे दिन, बस वो क्या हो रहा है, अगर मुझसे जवाब नहीं मिलता तो मेरी मम्मा को पूछते हैं, उनसे जवाब नहीं मिलता तो मेरी बहन से पूछते हैं। मेरे दूल्हे बहुत फोमो में इस वक्त, उनको ऐसा लग रहा है कि ही वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट, और यहाँ पे जो अभी मैं कल के बाद बाहर शायद ना निकल पाऊँ क्योंकि मम्मा ने बड़ा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है कि लड़की बाहर नहीं निकलेगी, तो उनको और ऐसा 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 हो रहा है कि मैं आ रहा हूँ मुझे मिलना है, तो वो तिल मिलाए हुए से ग्रूम है मेरे इस वक्त। तो लास्टली क्या मतलब क्या फ्रेंड्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, क्या विशेष हैं आपकी फैंस से? ऑनेस्टली दिल से आई रियली वॉन्ट कि आप लोग प्लीज़ कीप मी इन योर ब्लेसिंग्स एंड प्रेयर्स। मेरे से ज़्यादा मुझे लगता है ये जेडन के लिए जो डिसीजन मैंने लिया है, भगवान करे सही हो, और अभी तक और आगे भी यू नो जो भी डिसीजंस मैं लेते आई हूँ जेडन के लिए सब सही हुए हैं, एंड ब्लेसिंग्स बहुत काउंट करती हैं,
कल मैं एक मॉल गई थी और एक आंटी मुझे मिले और उन्होंने मुझे हक किया और उनके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितने लोगों की लाइफ टच होती है, क्योंकि जब सेकंड मैरिज होती है ये बोलने वाली बात होती है, क्योंकि आई एम अ पेरेंट उस और मेरी शादी है तो इमोशंस मेरे भी बहुत ज़्यादा हैं। और वो आंटी के जब आंसू कल बहे तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि कितने लोग इस शादी से उम्मीद लगा रहे हैं, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आर एट अ थ्रेशोल्ड, यू नो, कि दूसरी बार करना चाहिए क्या, बच्चे हैं, यू नो, गलत। सो जो फियर्स शायद मैं लिटरली अभी लिव कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे मेरे फैंस हैं जो लोग जो इक्वली डरे हुए हैं, विच इज़ व्हाट आई सॉ यस्टरडे एंड आई रियली होप कि अपने लिए भी सही करूँ और जो लोग ये उम्मीद रख रहे हैं कि ये डिसीजन सही हो, सही हो। जेडन कितने खुश है आपकी शादी से? जेडन बहुत एक्साइटेड है। जेडन हर रोज मतलब नानू नानी के साथ सोता है, उसको ये लग रहा है कि जितना टाइम मेरे पास है मैं पूरा यूज़ करूँ। ही इज़ वेरी एक्साइटेड, ही इज़ वेरी हैप्पी। वो निक के साथ कल हेयर कट कराने जा रहे हैं और मतलब सेम टू सेम मुझे ट्विन करना है, वो वाली एक्साइटमेंट उसकी चल रही है, इट इज़ रियली नाइस। और वो अपने नए स्कूल को, नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए पूरा मुझसे ज़्यादा वो रेडी, उसको देख के मुझे भी हिम्मत आती है। ऑल द वेरी बेस्ट दलजीत, थैंक यू, थैंक यू। आई रियली नीड इट, कीप इन योर प्रेयर गाइस, प्लीज कीप इन योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू। ज़रूर आप आएंगे ना, मेरे इंस्टाग्राम पे आइए, आपको मेरी शादी के सारे स्कूप मिलेगा। बट अभी हम लोग कोशिश तो लो प्रोफाइल की कर रहे हैं, लेकिन मुझे आप लोगों से डर भी लगता है कि पहुंच जाओगे आप लोग तो देखेंगे। इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम हाँ मुझे जेन्यूनली ऐसा लगता है कि थोड़ा इंटीमेट रहे तो बहुत अच्छा है, बट देखते हैं जैसा होगा। अगर आप लोग पहुँच ही गए तो फिर मिठाई खा लेना, नहीं पहुँचे तो मैं आपको बुला के मिठाई खिला दूँगी। बताऊंगी, डेफिनेटली बताऊंगी, एक इवेंट के लिए डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगी। सब में मैं कोशिश कर रही हूँ कि कई लोग बाहर से आ रहे हैं, उनको यू नो हम लोग बड़े यूज्ड टू होते हैं, मुझे लगता है यार अपने ही बंदे हैं, मैं बिल्कुल दिल से बात कर रही हूँ। बाहर से लोग आ रहे हैं उन लोगों को शायद ऐसा लगे ना अरे बापरे बापरे वैसा, इसलिए तो मैं डेफिनेटली इन्वाइट करूँगी और आना, लेकिन बहुत सारे प्यार, और किसी से कुछ हो जाए तो बहुत प्यार देना, मुझे बहुत प्यार की जरूरत है, प्लीज़ बहुत सही। ऑलराइट, सी यू, बाय बाय, थैंक यू।